या फिर इनके साथ कुछ गलत हो सकता है अगर ये लोग सही है तो? ऐसा नहीं है कि ये गेट वेट बंद हो। सच बता दोगे हम छोड़ देंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ है कि हम बता दो हेल्प भी करेंगे। तुम यहाँ कैसे आए, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई तो तुम्हारी बीबी है ना ये, वे ज्वेलरी लेकर के भागे है तो, ज्वेलरी लेकर के भागे है तो। रुक जा यार, वो लोग क्या करना है बताओ ना, मुझे सही नहीं लग रहा उसको टोकना भाई। डर तो मुझे गार्ड ने बताया ये चीज की, भाई वो हट ही नहीं रहा, उसको भगाने की कोशिश करा, बोला मैं यहीं रहूंगा, यहीं रहूंगा शाम से। ये लोग पागल बना रखा है। आई थिंक बैग वगैरह भी पड़ा है वहां पर। वही तो मुझे देखो, यहां का तो नहीं है। हाँ। मुझे ये 100% है, मुझे भी लग रहा है तो है नहीं। क्या करना है पुलिस वाले को? भाई रात के 12 बज रहे हैं यार, पुलिस वाले को फोन करूं? मुझे तो गार्ड ने मुझे बोला कि भाई आके देख लो क्या मैटर है, इसलिए मैंने कैमरा वैमरे लगवाया। क्या करे समझ में नहीं आ रहा है यार। मैं सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। भाई कैमरा वगैरह ऑन रखियो, क्योंकि बारिश का भी टाइम हो रहा है और ये लोग यहाँ पर, मुझे लग रहा है किसी गलत इरादे से आए, ठीक है, या फिर इनके साथ कुछ गलत हो सकता है अगर ये लोग सही है तो। ऐसा नहीं है कि ये गेट वेट बंद हो जाता, कोई भी आ सकता कभी भी, पीने वाले खाने वाले दोस्तों। यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोग बोल रहे हैं ना, क्योंकि मुझे गार्ड ने बताया, हम दोनों को बताया कि यहाँ पे एक कपल है जो मतलब पिछले लगभग 4-5-6 घंटे से यहाँ बैठा हो। गार्ड ने इसको 2-3 बार आके टोका दिया, जा भी नहीं रहा है, जा नहीं रहा है। देख लो पूरा जंगल है चारों तरफ। भाई घुमा के दिखा दे थोड़ा, इधर उधर दिखा दो, इधर उधर दिखा दो भाई। करना क्या चाहता है मुझे भाई, यहाँ पर एकदम कोने में बैठे हैं, बारिश का भी टाइम हो रहा है। हाँ। अगर चलना है साथ में चलते हैं। चलो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर उनके पास हथियार वगैरह हो तो वापस भाग लेंगे। माइक ऑन है ना, ठीक है। भाई हाँ क्या हो गया? रुको रुको, भागो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। क्या चल रहा है यहाँ? क्या चल रहा है भाई? क्या हो गया? क्या कर रहे हो तुम? आशिकी लड़ा रहे हो यहाँ पर भाई? पागल वागल हो? समय उमय का कुछ है कि नहीं? 12 बजे है रात के और तुम यहाँ कर क्या रहे हो? आराम कर रहे हैं। मैडम कहाँ घर है आपका? क्या कर रहे हो यहाँ पे आप लोग? क्या कर रहे हो भाई? ये सामान वगैरह ले, चोरी वोरी करके भाग के आए हो क्या? ऊपर बैठो, उठो उठो, घर से सामान वामान लेके भागे हो तुम भाई? तेरे तो ना, मैं इस गार्ड का ना इंचार्ज हूँ, इसलिए मैं तेरे से पूछने आया, तू कर क्या रहा है यहाँ पे? साफ साफ बता, बैठे क्या कर रहे हो भाई तुम यहाँ पर? लड़की लेकर के तू यहाँ पर क्या कर रहा है? इसके साथ कुछ, मैडम आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है ये, जानते हो आप इसको? कौन है ये? कौन है? बता जल्दी बता। वाइफ है? वाइफ है तो घर ले जाना। यहाँ क्या कर रहा है पार्क में? पता है ये तुम्हारा प्राइवेट नहीं है, ये पब्लिक पैलेस है भाई। पब्लिक पैलेस के अंदर क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? कपड़ा मुंह पे डाल के हैं? ये सो रही थी, मच्छर काट रहे थे इसलिए कपड़ा डाल। एक मिनट लड़की से पूछते हैं पहले। पूछो। हेलो मैडम, ये हाथ छोड़ उसका, हाथ छोड़, हाथ छोड़, नहीं छोड़ेगा, लगा कॉल लगाते हैं। किसको कॉल लगा रहा भाई? पुलिस वाले को कॉल लगाते हैं। इस बात पे भाई तुम दोनों, पहली बात तो ये कि तुम दोनों अकड़ो, इंचार्ज हो, इंचार्ज तो। हाथ छोड़ पहले, आराम से बात करेंगे। मेरी वाइफ है भाई। हाँ वाइफ है ना, कुछ नहीं हो रहा तेरे साथ। क्या नाम है तेरा? रोहित है मेरा नाम। आधार कार्ड दिखा, आधार कार्ड दिखा, इसका भी आधार कार्ड दिखा। 18 साल है इसकी? भाई मुझे तो छोटी लग रही है ये। कितना एज है मैडम? बोलती हो या गूंगी हो? हेलो बोलोगी या मैं फोन करूं पुलिस वाले को? इसके ऊपर क्यों यार, क्यों इसको क्यों बोल रहे हो? लड़की लेके घूम रहे, मेंटल हो क्या तुम? कहाँ घूम रहे? तुम्हें पता है पब्लिक पैलेस है ये? भाई पब्लिक पैलेस जंगल झाड़ में लेके घूम रहे, दिमाग नहीं कि है तुम्हारे पास? भाई उठ के खड़े हो, हमने कुछ गलत थोड़ी किया भाई। आधार कार्ड निकालो भाई, कहाँ से हो? देखो डरने की जरूरत नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड हम यूपी से आए हैं। यूपी से आए हो मतलब? यूपी से क्या करना है भाई तुम यहाँ पर? बेवकूफ, यूपी यहाँ से पता कितना दूर है? 500-600 किलोमीटर। दिमाग खराब हो रहा है क्या? दिमाग खराब ये दिल्ली भाई। है भाई, भटक के कहाँ आ गए तुम भाई? बैग में क्या है? बैग में क्या है? बैग बैग मत छुओ। बैग में क्या है? बैग मत छुओ हमारा। क्या है? देख सामान है, कपड़े हैं, सामान चोरी करके लाए हो किसी का? कपड़े हैं भाई हमारे। दिखा फिर इसका बैग। भाई ऐसे कैसे दिखा दूंगा तुम्हें? मैडम आपका बैग है ये? आपके बैग है? कहाँ से आए हो आप भाई? हाँ कर रहा है पुलिस वाले को कॉल भाई। इसकी मुझे भी लग रहा है भाई करने वाले। मैडम सच सच बताओ, देखो डरने की जरूरत नहीं है तो क्यों ना चेक करूं? तू दिखा कर क्या रहे यहाँ पे? साफ साफ बता, लड़की के साथ है यहाँ पे? ना आधार कार्ड दिखा रहा, ना सही आइडेंटिटी बता रहा, कभी यूपी बता रहा। आधार कार्ड है ना? चल दिखा। नहीं है तेरे पास भी आधार कार्ड? नहीं है। बहुत बढ़िया, यहाँ करने क्या आए हो तुम? अपना मकसद बताओ।
जल्दी, वरना 100 नंबर पे कॉल करने ज्यादा टाइम नहीं लगी। दो बार पूछ लो, मैं कॉल कर रहा हूँ। लगा लगा, पढ़ाई के चक्कर में आए थे हम। देख सच बताए मासूम भाई, एक मिनट रुको 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 रुको, एक बार बात करते हो। बंदा स्टूडेंट कर रहा बंदा यार, पर मेरी बात सुनो, एक छोटी सी प्यारी सी लड़की को लेकर घूम रहा है, तुम समझ रहा है क्या? ये पेपर था कॉलेज का बेटा, 76 का केस लगेगा। वाइफ तो है नहीं, मुझे भी पता, चूतिया मत बनाना। सच सच बता दे, बता दे कौन है, कौन है ये वाइफ? फिर बोलना झूठ, कौन है ये? ये पेपर दिलवाने लाया था वाइफ बताएगा। एक मिनट लड़की से पूछते हैं। ओ हेलो मैडम, क्या नाम है आपका? सानिया। सानिया कहाँ से हो आप? पहले तो यूपी से हो, एज बताओ कितनी है? 19। झूठ बोल रही हो, लग नहीं रही हो मुझे, सच बता दो। और पुलिस वाले आएंगे ना, वो तो डंडा मार के पूछ ही लेंगे। घूर क्या रहा है, सच बता। ये कहाँ घूर रहा हूँ भैया? भैया बैग साफ साफ दिखा दे मुझे, मैं कुछ नहीं बोल रहा। दिखा क्या है बैग में? बैग में मुझे देखना क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या पता तुम, देख भाई दिल्ली में बहुत कांड होता है, ठीक है? कुछ भी फालतू चीज लेके घूम रहा है, कुछ भी दूसरे को नुकसान होगा, समझ रहे हो तुम? या तो खुद से बता, अपना अपना आधार कार्ड दिखा दो, आप चुपचाप से आराम सुनो, चुपचाप से यहाँ रहने की जगह है। दिखा बैग चेक करो भैया, दिखा, देखने दे, देख रहे बस। सामान है भैया, कुछ नहीं करूंगा भाई, घबरा मत। अगर सच्चा है तो भाई कुछ नहीं करूंगा, मैं तेरे लिए खड़ा हूं यहां पे भैया। बात हम यहां के रहने वाले लिए भैया, हमें पता है भैया, सामान मत देखो हमारा भैया, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं भैया। चलो खोल, छोड़ दो कपड़े, कपड़े कपड़े देख लो, आपसे झूठ थोड़ी बोलूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, घबरा मत यार, मैं तो बस आधार कार्ड देख रहा, तू दे नहीं रहा। अब गार्ड तुम्हारे, एक मिनट सुनो गार्ड, तुम दोनों के पास दो तीन बार आया, तुम क्यों नहीं गए यहां से? क्या यहां क्या कर रहे थे भैया? रात को इस टाइम हम कहां जाएंगे? अरे भाई तू, तुम्हारी बीबी है ना ये, वे ज्वेलरी लेकर के भागे हैं तो? अब बता क्या करें, कहां से लगा के लाया? सच बता, सच बता, इसका है ये? अगर तू इसकी बीबी है तो सिंदूर क्यों नहीं लगा दी भैया? भाई पुलिस को कॉल लगाओ, शादी हुई थी पेपर में, लाओ पुलिस को कॉल लगाओ। भैया 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 ऐसा कुछ नहीं करा भैया हमने, वाह भैया ऐसा कुछ नहीं कर। भाई साहब सोने के गहने लेकर के भागे हो तुम? सामान को तो मुझे मतलब नहीं है, ले पकड़ अपना सामान। ये किसका है, आइडेंटिटी दो, अपना मम्मी पापा से बात करो, मैं छोड़ दूंगा अभी। बताओगे यार, इतनी हैकड़ी मत दिखाओ, ठीक है? बार बार कह रहा हूँ आधार कार्ड दिखाओ, नहीं यार मैं किसके लिए वेट कर रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ। भाई दिखा रहा है या नहीं, लास्ट बार पूछ रहे हैं, दिखा। इतनी देर से यार हिंदी में पूछ रहे, समझ में नहीं आ रही। दोनों की आधार कार्ड देखना है मुझे। ये क्या क्या नाम बताया तू? तू फिर गलत नाम क्यों बताया? राहुल कुमार इसमें है? डर गया था। ठीक है अच्छा मैडम, आप ना दिखाओ जल्दी, वहाँ से आया ये, झूठ बोल रहा है, 900 किलोमीटर दूर से आया, बनारस का है ये, इसका आधार कार्ड। इसे खोलो तो सही, क्या देखूँ इसके अंदर? आधार कार्ड दिखा, उसका भी दिखा। देखना मैच कर रहा है क्या आधार कार्ड? दोनों तय किया, पकड़ो फोन। लेकिन तुम तो अभी 19 साल बताए मैडम, आपके तो 18 साल है भाई, ये फ्रॉड कर रहा है। अब सच सच बता दो क्या सीन है, लगाओ कॉल, लगा दो कॉल, लगा दो, कहीं से चुरा करके लेकर आया। आपकी बीबी है ना भाई? देख राहुल, आपकी बीबी है ना ये? ठीक है मैं कॉल करता हूं। कॉल लगाओ भाई, कॉल लगाओ। आप मेरे से दूर रहो प्लीज, आप सच बता दो ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। भाई देखो क्या ही चल रहा भाई यहां पर, आप बैठो वहां पे, हमें नहीं आपसे कोई बात करना, हम इनसे बात करेंगे। आप बोलोगे कि मुझे गलत जगह छू लिया और क्या, हमें वो नहीं करना। आप सच बताओ, नहीं तो मैं अभी पुलिस वाले को बोलूंगा। मैं बता रही हूं ना सच, सच बताओ, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सच बता दोगे हम छोड़ देंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। यहां आए कि हम बता दो, हेल्प भी करेंगे। तुम यहां कैसे आए, यहां क्या कर रहे हो? मच्छर काट रहे हैं तुम्हें, ऐसे ऐसे कर रहे हो क्या भाई? डर डर की है ना भाई, कुछ हो जाएगा तो किसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पार्क वाले लेंगे कि हम लेंगे कि तुम लोगे? बताओ क्या है भाई, कोई प्रॉब्लम होती है ना, पार्क के इंचार्ज है, हमारे ऊपर आती है बात ऊपर से। आगे बात समझ में? तो बताओ ये कौन है, बीबी है? सच बता, सच कौन है? मैं प्यार करता, क्या इशारा कर रही है बता जल्दी। ओ हीरोइन भैया, भैया उसे मत बोलो कुछ भैया, मैं बता बता भैया, मैं प्यार करता था, घर वाले माने नहीं। अच्छा इसलिए मैं दिल्ली ले आया भैया, एक दोस्त था मेरा, उसने बोला था आज हम, मैं रहने के लिए जगह दे दूंगा भैया, पैसे दे दूंगा भैया, अभी वो फोन भी नहीं उठा रहा, मेरे पैसे 1 रुपये नहीं है भैया। बहुत बढ़िया, चक्कर में यार भैया लाइट के बारे में, दोस्त कभी किसी का हुआ है भाई? वो 2 दिन का दोस्ती होती है ना, वो खत्म। अब क्या करोगे, इसको काले के घूमोगे? 5 रुपए है ना पॉकेट में, लड़की भगा रहे हो। सेम भाई क्या करना है भाई, ये गलती हो गया भाई। नहीं एक मिनट, भागे तो थे जेवर लेके, सारे कपड़े लेके, अब इसको क्या रोड पे क्या भीख मंगवाओगे? एक काम करते हैं ना, इन दोनों की दोनों पैर हाथ, सुनो पैर हाथ कटवा देते हैं, रोड पर बैठा देते हैं। हाँ पेट ठीक रहेगा, पूरी जिंदगी भर ये काम करना। क्यों ना गरीबों को वैसी हालत हो जाएगी तुम्हारी, माँ बाप कितना परेशान हो रहे हैं, तो इसके लिए तुम भागे थे, जो तुम्हें खिला नहीं सकता रोड पे, भैया रोड पे सुला रहा है भैया, दोस्त ने फोन नहीं उठाया। ठीक है तुमसे कोई बात नहीं, देख बात क्या करना है इसको,
इसका देख मेरी बात सुन ले, खाली प्यार करने से पेट नहीं भरता, उसके लिए कमाना पड़ता है। आगे बात सही में, ये दोस्त ने बोला था काम लगवा देगा, अब ये रहने को जगह देगा, मैं इसलिए ले आया। अब भैया मेरे को कुछ भी नहीं है भैया, नहीं है कुछ भी भैया मेरे पास, कुछ भी नहीं कर रहा भाई। तेरा ही सामान है, मुझे नहीं चाहिए तेरा सामान, ठीक है भैया? कुछ भी नहीं है। गार्ड ने मुझे फोन करा है 8-10 बार, ले पकड़ अपना। सोचना चाहिए तुम्हें भागने से पहले। मैडम इसके लिए भागे थे आप? हाँ, वो लड़का जो तुम्हें रोड पे सुला रहा है, आप कहाँ रहोगे बताओ? कहाँ रहोगे? कल को तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता है, कौन जिम्मेदार होगा उसका? अभी तुम्हारे पास मौका है, घर वालों से बात कर लो, घर चले जाओ। जाओगी घर? बता कहाँ रहेगा आज रात? कहाँ रहेगा बता भैया? आज रात तो यही बितानी पड़ेगी भैया, मेरे पास कोई घर द्वार नहीं है ना, मेरे पास खाने के पैसे है भाई, मेरे पास ज्यादा है नहीं, 1,000 रुपए है, देख लो, देख लो भाई। भाई 1,000 मेरे पास हो जाएंगे, देखो सुनो, ये 2,500 रुपए दे रहे हम तुमको, ठीक है भैया? पैसे नहीं, मेरी बात सुन ले भाई। भाई यहाँ पर जो है ना, पैसे नहीं चाहिए यहाँ पर, इंसान के रूप में हवान है, तेरे साथ तो कुछ नहीं, और इसके साथ क्या हाल करेंगे तू सोच भी नहीं सकता। आगे बात समझ में, गौर से सुन मेरी बात, अगर यहाँ तुम्हें दिल्ली में सर्वाइव करना है, पैसे ले और जहाँ जाना है तू जा, लेकिन यहाँ मत रुक, यहाँ मत रुक भैया। यहाँ जेब कतरे घूमते ना, पागल हो गया क्या? गंजेरी बंगेड़ी सब घूमते हैं यहाँ पे भैया, पैसे देख के वो और पैसे लो, फिर छीन लो, अपने पास रखना, पॉकेट में रखना। लड़की संभाल रहा है, पैसे नहीं संभाल पाया, गधा है क्या तू? तू पागल है क्या? तुम इतना महंगा महंगा जेवर लेके घूम रहा है, उसका क्या करोगे? पैसे पकड़, किसी ने देख लिया ना तुम्हें मार के काट के ही डाल देंगे। थाने को कॉल करता हूं, फिर जाएगा उठा के ले, पैसे पकड़ और निकल। एक काम कर, होटल ले, होटल में जा करके रह, पकड़ से तो पता भी नहीं भैया कहाँ मिलेगा। चल मैं तुझे दिलवा, चल हमारे साथ, चल सारा सामान ले, सामान उठा, रख इसे रख। लड़की को लेकर के घूम रहा है रात के 12 बज रहे हैं, समझना चाहिए यार तुम्हें। दुपट्टा उठाओ, क्या वो दुपट्टा उठाओ भैया, मुझे नहीं पता था ऐसा करेगा यार। गजब हो यार, तुम समझदार हो ना, चलो वो बच्ची है, तुम तो बड़े हो, तुम्हारे भी तो कम से कम कितने उम्र है, 25-26 तो होंगे ही कम से कम, तो तुम तो बच्चा नहीं हो ना यार, लेके घूमना चलो चलो।